दुर्गापुर के अंडाल में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कोलकाता से मोहम्मद फिरोज नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस बलात्कार कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी तलाश कर रही है। अंडाल में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कोलकाता से मोहम्मद फिरोज नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे अपने साथ अंडाल लेकर आई और शुक्रवार को अभियुक्त को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही पुलिस इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अभियुक्त मोहम्मद फिराज भागकर कोलकाता चला गया था। हालांकि अदालत में पीसी के दौरान अभियुक्त मोहम्मद फिरोज ने खुद को निर्दोष बताया। उसको भाग चुका है सर। इमरान क्या कहां का लड़का है? अंडाल का ही लड़का है। अंडाल कहां का? फिरोज नहीं, मेरे साथ में तुम ही थे ना सर? साथ में मतलब हम नहीं थे, वो लड़की को लेकर के वो लड़का गया था। उसके बाद हमको फोन करके बुलाया, भाई थोड़ा मेरे साथ में चलो उसको छोड़ देने के लिए। बस छोड़ने के लिए जा रहे थे तो फिर आदमी को देख लिया था, आदमी ने दौड़ाया सर, तो फिर वो लड़का ने भाग चुका। उसके बाद हम भी भाग गए डर से कि हम अकेला मार खाएंगे। उसके बाद कल सर ने फोन किया, हमको कलकत्ता उठा लिया, वो लड़का भाग गया। कहाँ से पुलिस कहाँ से पकड़े थे? हम कलकत्ता में काम करते, वहाँ पे काम कर रहे थे, पुलिस उठा लिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम किशोरी अंडाल रेलवे स्टेशन संलग्न सबवे के पास स्थित पार्क में खेल रही थी। उसी समय मोहम्मद अरमान व फिरोज नामक दो युवक आए और किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ बाइक पर बैठाकर सुनसान जंगल में ले गए, जहां किशोरी से उन्होंने दुष्कर्म किया। बाद में पीड़ित किशोरी ने घर जाकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। ये घटना प्रकाश में आते ही इलाके के लोग भी आक्रोशित हो गए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। वहीं बाद में इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। एक तरफ जहां रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्षद रूपेश यादव ने पीड़ित किशोरी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की, वहीं दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक एवं बीजेपी की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में अंडाल में नेशनल हाईवे 19 पर अवरोध किया गया था। विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन एवं तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही अंडाल थाने का घेराव भी किया गया था। अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণ মুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 0334190333086178777259333107047।